गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जस्ट नाउ सुब्रमण्यम स्वामी जी सुशांत सिंह राजपूत केस में एक चैनल पर लाइव आए और बताया क्या है सुशांत सिंह राजपूत केस का पूरा मामला। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि ये हाई वोल्टेज केस है और इसमें दुबई के सुपारी किलर्स की इन्वॉल्वमेंट है और ये सारा नेक्सस दुबई से ऑपरेट किया गया है, ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात रखी कि सुधीर गुप्ता सुनंदा पुष्कर केस में बड़े ही सिंसियर रहे, उन्होंने सिंसियरिटी को कभी आँच नहीं आने दी और उन्होंने कभी भी किसी के भी मेल्स का या किसी के भी थ्रेट का किसी भी तरह से कोई नेगोशिएशन नहीं किया। लेकिन इस केस में ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का बहुत बड़ा सवाल है। सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है कि इन्होंने सुधीर गुप्ता ने अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी वो एम्स की रिपोर्ट सीसी नहीं करी और डायरेक्टली सीबीआई को भेजा गया, और जब पूछा गया तो सुधीर गुप्ता ने ये बताया कि सीबीआई ने डायरेक्ट मुझसे पूछा था तो इसी वजह से मैंने भी जवाब सीबीआई को डायरेक्ट दे दिया। तो मेन बात ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी सुधीर गुप्ता के फाइंडिंग से खुश नहीं है क्योंकि उनका सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, तस के मस कि आपसे ये कहा गया था कि क्या रिपोर्ट्स जिस तरह से की गई हैं ली गई हैं क्या ये सेटिस्फैक्ट्री है, आपने तो सीधा ही एक जवाब दे दिया। तो फिलहाल सुब्रमण्यम स्वामी जी एक लाइव कर रहे हैं, जस्ट नाउ उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में ये बात कही, मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। लेकिन जो सबसे मेन बात उनका कहना है कि ये केस जो भी हुआ है ये सुपारी किलर्स द्वारा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत केस में, क्योंकि उनका मानना अभी भी वैसा ही है जैसे वो कह रहे थे कि ये मर्डर है और मर्डर सुपारी किलर्स द्वारा किया गया है। और वो जब से सुनंदा पुष्कर का भी डेथ की भी डेथ हुई है वो सुपारी किलिंग को किसी भी तरह इंडिया से ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं इस केस में भी इन्वॉल्व हुआ क्योंकि मुझे ये लगा कि इसमें भी सुपारी किलिंग इन्वॉल्व है, कहीं से भी कोई भी हमारे देश में आ जाए और किलिंग कर जाए ये होने में नहीं दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है और ये इस तरह का सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। तो ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी जी का सुशांत सिंह राजपूत केस में कि ये बहुत बड़ा हाई वोल्टेज केस है और इसमें दुबई सुपारी किलर्स का इन्वॉल्वमेंट है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।